नमस्कार फ्रेंड, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवोशन कुमार। जैसे कि आपको इस वीडियो के थंबनेल में देखकर पता चले गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल में देखे हैं कि आधार का जो भी न्यू सर्विस है वो लॉन्च हो चुका है। UID ने एक नया जो है लॉन्च किया है HOF के नाम से। वो क्या है, उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, आधार अपडेट में उसका क्या वर्क रहेंगे, क्या उसका भूमिका रहेंगे, ये अपडेट क्यों लाए हैं UID ने, इस पर आपको पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में जानकारी मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि HOF क्या है, इसके आने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और UID ने इसे क्यों लॉन्च किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे UID के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं। तो आप लोग कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना UID UIDAI। जैसे आप लोग UID सर्च करोगे तो UID का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे आप लोग यहाँ पे ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे myaadhar.uid.gov.in है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक किया है तो UID का न्यू पेज में लेकर जाता है, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है वहीं पे आपको जो है न्यू सर्विस लॉन्च किया गया है UID की ओर से। आखिर ये जो न्यू सर्विस लॉन्च किया है ये क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में कहीं पर भी कोई पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाएंगे वो जो सर्विस लॉन्च हुआ है उसका क्या उपयोग है हमारे लिए, और हम जो आधार कार्ड में अपडेट करेंगे, ये जो है आधार अपडेट के लिए आए हैं, हम जो आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करेंगे तो उसके माध्यम से हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे नीचे करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपली हम पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। जब तक आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होंगे तब तक आप लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। तो पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, वो जो सर्विस न्यू ऐड हुए हैं उसके बारे में हम पहले बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे आपको ये काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे वो कैप्चा कोड भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे वो OTP उस पर आएंगे। ठीक है, वो OTP आपको यहाँ पे भरना है। तत्पश्चात आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। चलिए ये सारा प्रोसेस हम करते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे मार्क लगा के आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे है डाउनलोड आधार का। ठीक है, यहाँ से आप लोग आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर आधार PVC कार्ड। आप लोग यहाँ से PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन अपडेट, आप लोग कोई भी अपडेट करना चाहते हैं आधार कार्ड में वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद बैंक लिंकिंग स्टेटस, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरेट वर्चुअल ID कार्ड, अगर आप लोग वर्चुअल ID कार्ड निकालना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद अपने आधार को लॉक अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड का पूरा हिस्ट्री। ऑफलाइन EKYC आप लोग यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री है वो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है माय हेड ऑफ फैमिली HOF, जो कि आपको यहाँ पे जो लाइव आया है वो यही सर्विस है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो माय हेड ऑफ फैमिली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स में बता रहे हैं कि ये आखिर क्या है। अभी ये पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है माय हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, HOF माय हेड ऑफ फैमिली, यहाँ पे है माय हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट। क्लिक हेयर टू क्लिक HOF बेस्ट एड्रेस शेयरिंग रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे बता रहा है अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में, ठीक है, अपने आधार कार्ड में कोई भी एड्रेस अपडेट करोगे, ठीक है, आधार में कोई भी एड्रेस अपडेट करोगे, ठीक है, तो एड्रेस अपडेट करोगे तो आपको यहाँ पे फैमिली के किसी भी डॉक्यूमेंट से हो जाएंगे। जैसे आपके फैमिली में किसी का भी वोटर कार्ड है, ठीक है, वोटर है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। किसी का भी DL है आपके यहाँ पे आपके फैमिली में तो उससे कर सकते हो। किसी का भी मनरेगा कार्ड है तो उनसे कर सकते हो, जो भी है उनसे कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फैमिली में है तो उनसे कर सकते हो। ठीक है, ये जो नया रिक्वेस्ट आया है वो इसी के कारण आया है कि आप लोग अपने आधार कार्ड में, ठीक है, अपने आधार कार्ड में कोई भी एड्रेस, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस शेयरिंग है तो आप लोग अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हो। HOF हेड ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली के किसी भी डॉक्यूमेंट से आप लोग अपना आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। प्लस आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो नहीं लगेगा, इसके माध्यम से आप लोग अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो, एड्रेस अपडेट कर सकते हो फैमिली के द्वारा। ठीक है,
तो आधार का ये जो न्यू अपडेट आए हैं वो इसी कारण आया है कि आप लोग यहाँ पे अपने फैमिली के किसी भी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हो। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में देना चाहता था और इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताना चाहता था कि HO जो सर्विस आया है, लाइव जो सर्विस हुआ है, वो अभी तक पूरी तरह से लाइव नहीं हुआ है। अगर इस पर आप भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, इसको बहुत जल्द लाइव कर दिया जाएगा UID की ओर से। तो आपको यहाँ पे जैसे ही लाइव होता है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स में दिखा देंगे कि इसका उपयोग आप लोग कैसे करोगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये लाइव होता है तो हम आपको इस पर पूरी डिटेल्स में वीडियो बना देंगे, जो कि अभी पूरी तरह से लाइव हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ इसका ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बता दिए कि ये जो न्यू सर्विस आए हैं इसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं और बहुत जल्द ये लाइव हो जाएंगे और इसके माध्यम से आप लोग अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो। तो चलिएगा जी, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।